स्टूडेंट, दिस इज सुजी ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इंफोमैथ्स कोर्स एग्री। आज हम डिस्कस करेंगे लिमसेट 2021 मैथ्स पेपर पार्ट 3। अप टू पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, मींस अप टू 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप देखा होगा कि क्वेश्चन एवरेज थे, टफ क्वेश्चन ही थे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे पर सिंपल थे। आज भी आप देखोगे क्वेश्चन सिंपल ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे 36 क्वेश्चन से। पहले आपको मैं कहूंगा कि इंफोमैथ्स मीडिया का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जो भी फ्री वीडियोस होंगी आपको बस आती रहेंगी। और जो इंफोमैथ्स इंडिया का फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं, इंफोमैथ्स इंडिया। ओके तो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग। तो आप देखोगे क्वेश्चन सिंपल है। 36 क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एनआईटी में काफी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी। ऐसे क्वेश्चन को करने के कई वेज होते हैं, आइदर अर्थमेटिक मीन, ट्रिग्नोमेट्रिक मीन, और कई वेज होते हैं हमारे पास। पर बेस्ट वे ऐसे क्वेश्चन में एनआईटी में ही होता है कि आप एंगल डाल दो, कोई ना कोई एंगल डाल दो, चेक कर लो कि वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है कि 2 है 1 है। लाइक हम एंगल डालते हैं, यहाँ पर हमने तीनों एंगल डाल दिए। क्या डाल, ट्रायंगल इक्विलेटरल, ट्रायंगल सॉरी एबीसी है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो हमने तीनों एंगल को 60-60 ले लिया, लाइक कुछ भी ले लिया, लाइक तीनों को 60-60 ले लिया। तो 60-60 लिया तो क्या हो गया, ए बाई 230 हो गया, बी बाई 230, सी बाई 230। तो टेन क्वेश्चन क्या होगा, टेन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो टेन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। लाइक सारी वैल्यू डाल दिया आपने, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, ये आपने पुट कर दिया। तो क्या रह गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आपकी वैल्यू रहेगी यहाँ पर 1 रहेगी। तो वैल्यू 1 रहेगी, तो एक बात तो श्योर होगी पिछले से कि वैल्यू 1 है तो मे बी डी चॉइस। ओके, अभी हर चॉइस की, हाँ ए चॉइस नहीं होगी, बिकॉज ए चॉइस जो है वो आपकी ग्रेटर देन 1 है, ए चॉइस आपकी आउट होगी। अब बी सी डी में से, अच्छा सी भी नहीं होगी, सी की वैल्यू जो है वो 2 है, वो भी नहीं होगी। मीन्स की बी और डी में से आंसर रहेगी, आइदर बी होगा या डी होगा। अब एक और एंगल हम डाल के देखेंगे आपकी विश। हमने एंगल लिया इसका 90 45 45, बिकॉज सम इनका अगेन 180 हो गया। जब 90 डालेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, अगर 90 डालोगे तो टेन स्क्वायर 45 हो जाएगा। और यहाँ पर चलो पहली बात है, जब टेन स्क्वायर 45 हो गया 90 डाल के, तो ये वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। प्लस बाकी जो दो वैल्यू है वो हमेशा नेचुरली स्क्वायर है, वो पॉजिटिव है। बाकी दो वैल्यू जो भी डालना चाहो, लाइक यहाँ 90 डाला, यहाँ 45 डाल सकते हो, तो जो भी वहां पर वैल्यू आएगी वो स्क्वायर स्क्वायर है, तो पॉजिटिव है। ये वैल्यू 90 डाल के 45 एंगल बनता है, ये वैल्यू 1 बनती है, ये वैल्यू 1 बनती है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। हमें डाउट क्या था, बी ओ डी में हमारा आंसर 1 तो आ ही गया था, पर हमें डाउट था कि 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब श्योर हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, बिकॉज ये वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है 90 45 45 डालने से। तो आंसर इज श्योर बी चॉइस। स्टूडेंट्स देखा आपने, तो क्वेश्चन ऐसे किया, हिट एंड ट्रायल वैसे किया हमने, तो सिंपल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है, सिस्टम इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो एनआईटी का मेजर टॉपिक है। सो वी आर गिवन थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। तो हमें पूछ रहा है कि हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। आपको पता है कि सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन आइदर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, आइदर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 और डिटरमिनेंट 0 एंड सभी d1 d2 d3 ऑल 0। ओके, ये चारों 0 होने चाहिए और या डिटरमिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए। ये आपको पता है कि सिस्टम इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ओके, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, दिस वन इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस वन मींस की इनफाइनली मैनी सॉल्यूशन। ओके, मींस की एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इसमें कवर होता है। तो पहले हम डी तो निकालते हैं, डी निकाला हमें, डी मींस डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट निकाला तो वहां पर लैम्डा भी है, तो हमने उसको पहले हमने इसको देखा, नॉट जीरो किया, नॉट जीरो किया, डिटरमिनेंट को नॉन जीरो किया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू -5। तो एक तो ये आंसर आ गया, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5, तो आपका आंसर बी सी डी में से एक आता। अभी आपका आंसर बी सी डी में से एक है। ओके, बट हम और भी अगर हम इसको, तो अभी हमने इसको देखा है कि ओके, तो आपका आंसर बी सी डी में से एक आ सकता है। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, ये हमें कहता है डी जीरो, डी जीरो मीन्स की लैम्डा इज -5 एंड अब बाकी चेक करते हैं, और डी को जीरो किया तो लैम्डा -5 आ गया। लैम्डा जब -5 आया तो फिर हमने डी थ्री निकाला, डी थ्री कैसे निकालते हैं, रिप्लेस थर्ड कॉलम बाय द
कॉन्स्टेंट्स। तो आपने थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया किससे, 3 माइनस 2 और माइनस 3 से, लाइक आप देख सकते हो रिप्लेस थर्ड कॉलम बाय द कॉन्स्टेंट। तो D3 आपका नॉन जीरो आ गया। आपने D को जीरो किया पर D3 आपका नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब कि दिस हैज नो सॉल्यूशन। आपको पता है जो डी जीरो होता है वो वन ऑफ देम, वन ऑफ D1 D2 D3 नॉन जीरो होता है तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब कि डी को जीरो करके आपका हमेशा नो सॉल्यूशन आएगा। डी को जीरो करके ये चीज नहीं बनेगी, ये वाली चीज नहीं बनेगी। डी को जीरो कर दिया अगर आपने तो, बट D3 आपका नॉन जीरो है, D3 तो पक्का ही नॉन जीरो है, उसको कोई जीरो नहीं कर सकता, नॉन जीरो है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो बनेगा नहीं, तो ओनली दिस पार्ट बनेगा, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। डी इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स की लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5। तो आपका आंसर, आपका आंसर बी सी डी में से कोई भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज लैम्डा -5 तो ये वाला है, नॉट इक्वल टू -5 तीनों में से कोई भी मार्क कर सकते हो, तो आंसर बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या हो गया, बी सी डी। अगेन अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 तो बिल्कुल सिंपल है, सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सेट ए सेट बी सेट हमें गिवन है, हमें चाहिए कि नंबर एलिमेंट्स होगा ए यूनियन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए डेल बी, डेल मीन्स मटेरियल डिफरेंस। पहले आप ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकालो। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन ए एन बी माइनस कॉमन, एन ए ये रहा एन बी ये रहा, कॉमन क्या है, कॉमन है 3 और 4, तो मीन्स की 2 एलिमेंट्स कॉमन है। ओके, तो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस कॉमन एलिमेंट्स, सभी बच्चों को पता है कैसे निकालते हैं। ए के एलिमेंट कितने हैं, ए के एलिमेंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक मिनट बैक चलना पड़ेगा मुझे। तो ए के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, ए के एलिमेंट 4 है, बी के एलिमेंट 3 है, कॉमन एलिमेंट 2 है, तो यूनियन के एलिमेंट्स ए इतने 5 हो गए। इंटरसेक्शन क्या है, 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो कॉमन 2 हो गया। और डेल क्या है, डेल क्या होता है, यूनियन माइनस, डेल क्या होता है, यूनियन माइनस कॉमन, डेल होता है यूनियन माइनस कॉमन। तो आपने डेल निकाला, डेल क्या होता है, यूनियन माइनस कॉमन, तो यूनियन में 5 है कॉमन 2 है, तो डेल में ये आपके 3 एलिमेंट्स आ गए। अब तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपको पता होगा कि कोई आपको पता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर एलिमेंट्स हो ए इंटू नंबर एलिमेंट्स हो बी, तो जस्ट आपने उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 × 2 × 3 कितने एलिमेंट्स हो गए, 30 एलिमेंट्स। वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल हो गए। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आपने सेंटिंग एंगल का आर्टिकल किया हुआ है तब ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। सेंटिंग एंगल, सेंटिंग सर्कल, ये आर्टिकल अगर आपने क्लासेस में किया हुआ है तब तो ईजी है, अगर नहीं किया हुआ तो फिर ये क्वेश्चन करना आपके लिए वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। वैसे बता दूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों को याद होता है, इसका आंसर है सी चॉइस। पर एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आपको समझ आए तो बड़ी अच्छी बात है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटिंग एंगल, सेंटिंग सर्कल का क्या टॉपिक होता है। अगर आपको इलिप्स दिया हो तो एसेंडिंग सर्कल क्या होता है, एसेंडिंग एंगल क्या होता है। तो इलिप्स कैसा दिया हमें, x² / a² + y² / b² = 1। ओके, इसका पिक्चर भी बनाओ, आपको पता है इसकी पिक्चर बनाओ, हमारे पास है तो इलिप्स हमारे पास है x² / a² + y² / b² = 1। तो इलिप्स हमारे पास आ गया लाइक दिस। ओके, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब एसेंडिंग सर्कल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एसेंडिंग सर्कल। एसेंडिंग सर्कल क्या होता है इस इलिप्स के कॉरस्पॉन्डिंग, इस इलिप्स के कॉरस्पॉन्डिंग एसेंडिंग सर्कल होता है x² + y² = a², दैट्स ऑन द मेजर एक्सिस। किस पे होता है, मेजर एक्सिस पे होता है, तो वो होगा लाइक दिस, दिस एसेंडिंग सर्कल। थोड़ा सा बेटर बना लेना, यहाँ बना हुआ अच्छा सा, यानी यहाँ पर अच्छा सा नहीं बनाया पर यहाँ पर ठीक बना हुआ है। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0, a हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसेंडिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम, सेंटिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द इलिप्स। अब लेटर सेक्टम ऑफ द इलिप्स के एक्सट्रीमिटीज क्या होते हैं, तो लेटर सेक्टम क्या होती है, कॉर्ड पासिस थ्रू फोकस, तो फोकस आपका ये होता है a₀ - a₀, तो इसके ये होती है लेटर सेक्टम, इसके एक्सट्रीमिटीज, ये 2 एक्सट्रीमिटीज होती हैं। तो इस एक्सट्रीमिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चाहिए सेंटिंग एंगल। ओके, तो एक्सट्रीमिटीज क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो एक्सट्रीमिटीज होते हैं ±a + −b² / a, ये होते एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटर सेक्टर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। ओके, हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग असेंडिंग एंगल चाहिए, पर उसके लिए पहले हमें असेंडिंग पॉइंट चाहिए होगा। असेंडिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला, इसके जो सर्कल का पॉइंट होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको आगे ले जाओ, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये जो पॉइंट होता है दिस इज असेंडिंग पॉइंट। ओके, ऑन द सर्कल, असेंडिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग दिस ऑन द सर्कल,
तो उसके जो एक्सपार्ट होगा वो तो सेम होगा ए, उसका एक्सपार्ट तो सेम होगा ए, उसका जो वाई पार्ट है वो कैसे निकाल लेंगे हम इस एक्स ए को सर्कल में डाल देंगे। लो ये देखो एक्स ए को हमने सर्कल में डाल दिया, एक्स इक्वल टू ए को सर्कल में डाल दिया, उसे वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक्स इक्वल टू ए को सर्कल में डाल दिया तो वाई स्क्वेयर क्या आ गया, वाई स्क्वेयर आ गया, ये आ गया। बट ये क्या होता है, बट आपको पता है कि बी स्क्वेयर इज ऑलवेज, अगर एलिप्स है तो बी स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर इंटू वन माइनस ए स्क्वेयर, ये तो बी स्क्वेयर हो गया। आपने एक्स को ए ही डाला, इस एक्स को ए ही सर्कल में डाला तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई, ये तो बी स्क्वेयर आ गया, तो मीन्स वाई आपका प्लस माइनस भी आ गया। तो आपकी जो असेंटिंग पॉइंट हो गए, असेंटिंग पॉइंट क्या हो गए, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी, ये आपके असेंटिंग पॉइंट हो गए, सेंट्रिक पॉइंट हो गए। ओके अब सेंट्रिक पॉइंट हो गए, बट आपको पता है कि एनी पॉइंट ऑन एलिप्स क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन एलिप्स होता है या जो भी एनी पॉइंट ऑन सेंट्रिक सर्कल, सॉरी एनी पॉइंट ऑन सेंट्रिक सर्कल क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन सेंट्रिक सर्कल होगा ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, मींस कि ये जो पहला पॉइंट है ये ए कॉस थीटा हो गया, दूसरा पॉइंट बी साइन थीटा हो गया। तो ए कॉस थीटा सेंट्रिक पॉइंट, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा क्या हो गया प्लस माइनस ए हो गया, बी साइन थीटा क्या हो गया प्लस माइनस बी हो गया, ए कॉस थीटा हो गया प्लस माइनस ए, ये आपने जो निकाला है प्लस माइनस ए, तो बी साइन थीटा क्या हो गया प्लस माइनस बी हो गया। ओके अब क्या करेंगे हम, हमें तो एंगल चाहिए, हमें तो सेंडिंग एंगल चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, दोनों को डिवाइड किया टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दोनों को डिवाइड किया टेन थीटा आ गया प्लस माइनस बी बाय ए, तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स प्लस माइनस बी बाय ए। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेंडिंग एंगल ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके क्वेश्चन अच्छा था, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे थोड़ा सा। वी आर ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज एक्स प्रोडक्ट इज वाई, तो साइड्स को पहले आप ट्रायंगल की साइड्स को नाम दे दो, पहले आप ए बी सी, ट्रायंगल की साइड्स को नाम दे दो ए बी सी, ओके ए बी सी, ओके स्टूडेंट्स आपने ऐसा नाम दे दिया राइट। तो सम ऑफ टू साइड्स इज एक्स, तो एक्स इज सम ऑफ टू साइड्स एंड एंड देयर प्रोडक्ट इज वाई, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या है वाई है, एंड वेयर जेड इज अ थर्ड साइड, जेड इज अ थर्ड साइड, ओके क्लियर, ये हमें हमें गिवन है। ओके तो और क्या हमें गिवन है, हमें और क्या गिवन है, सच दैट एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू वाई, ये हमें उसने एक और चीज गिवन दी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, एक्स इज सम ऑफ एक्स क्या है दोनों का सम है, वाई दोनों का प्रोडक्ट है, जेड सी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दो, एक्स की वैल्यू को डाल दो, जेड की वैल्यू को, जेड की वैल्यू को डाल दो, इस एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू पुट कर दिया आपने इस इन्फॉर्मेशन में, गिवन में डाल दिया, उससे क्या हो गया, उससे देखो ये आपका खुल गया एक्स प्लस, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर इज इक्वल वाई, वाई ये बन गया, तो सी स्क्वेयर ये आपका इतना सा पार्ट आपके पास आ गया राइट। तो आपने इसको ओपन किया, ए देखो जस्ट ये कैलकुलेशन अपने आप देख लो, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, इसको ओपन किया तो क्या बन गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, वहां चलेगा ट्वाइस ए बी, तो इतना सा पार्ट मेरे पास आ गया। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कि ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटर होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा, हमें मीन्स की हमें देखना कि एंगल कैसे होंगे। तो हमने क्या निकाला, कॉस ऑफ दी एंगल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कॉस ऑफ क्या एंगल निकाल रहे हैं। अगर ये आपको हिंट मिल रहा है बच्चों, अगर ये आपको हिंट मिल जाता है इतना सा, तो आपको सभी को पता है कि ये कहाँ पर होता है, ये वाला पार्ट कहाँ पे मिलता है आपको, ये पार्ट मिलता है आपको कॉस सी के फॉर्मूले में, इतना पार्ट हर बच्चे को पता है कि कॉस सी का फॉर्मूला ये वाला होता है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट दिख गया बाय चांस, तो इट मीन्स कि कॉस सी का फॉर्मूला लगाने की ट्राई करो, तो आपने कॉस सी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू है, तो क्या वैल्यू हो वाई माइनस टू ए बी वैल्यू है, ये मुझे पता है वैल्यू। ओके और ये वाई की वैल्यू क्या है, ये वाई की वैल्यू ये ए बी है, वाई की वैल्यू मैं ए बी वहां से डाल दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, तो कॉस ही माइनस हाफ आ गया। ओके स्टूडेंट, तो बड़ा स्मार्ट सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी पेशेंस दिखानी होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी उसको यहाँ पर डाल के ये चीज दिख गई थी, अगर ये दिख गई थी आपको तो यहाँ से आपको सीधा ही, जिस बच्चे को थोड़ा सा मैथ्स आता है उसको पता है कि भाई कॉस सी का फॉर्मूला ये होता है, जिसको कॉस सी का फॉर्मूला पता है वो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो मेरे ख्याल से वो देर नहीं करेगा, वो सीधा इस वैल्यू को डाल देगा, इस हमने यहाँ वैल्यू ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में डाल दी, ये आ गया, तो कॉस सी माइनस हाफ आ गया, तो एंगल सी क्या बना पाई माइनस 60, तो एंगल सी आ गया पाई माइनस 60 मीन्स की 120 डिग्री, तो आपका एक एंगल 120 डिग्री आया है,
ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। देखा आपने एंगल ग्रेटर देन 90 आ गया, तो ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो अच्छा क्वेश्चन था बट सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन हम 12th क्लास में करते हैं। आपको पता है जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो सबसे बड़े वाला है उसको टी मान लो। सबसे बड़े वाला कौन सा है? ट्रिपल थ्री। ट्रिपल थ्री को टी मान लो। उससे क्या होगा? जब ट्रिपल थ्री को टी मानोगे तो पूरा ये क्या बन जाएगा? अब हर देखो छोटी छोटी बातें हैं। ए की बाय एक्स को टी मानते हो तो क्या होता है? आपको पता है ए की बाय एक्स अगर टी होता है तो क्या होता है? ए की बाय एक्स इंटू लॉग ए डी एक्स क्या होता है? डी टी होता है। तो अगर आपने इसको टी माना है तो ये आपका ये ऊपर का कंपोजिशन कंपोजिशन के वजह से एक्स हो गया। तो इसका नेचुरली जब आप डायवर्टिव करोगे, हर बच्चे को पता है ए की बाय एक्स देन फर्दर ऊपर का डायवर्टिव देन उसका अगेन अंदर का डायवर्टिव है ना, बाय चेन रूल, पहले थ्री की पावर फिर अगेन उसको ऊपर का डायवर्टिव इंटू उसके अंदर ऊपर का डायवर्टिव। तो अल्टीमेटली लॉग थ्री लॉग थ्री। आपको पता है, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता है कि जब आप इसका डायवर्टिव करते हो तो क्या आता है। इतना तो आपको पता है कि जब इसका डायवर्टिव ए की बाय एक्स, पहले ए की बाय एक्स हुआ देन उसके उसके उसका डायवर्टिव देन इसका डायवर्टिव, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका इंटू लॉग ए लॉग ए तीन बार आएगा, इंटू लॉग ए तीन बार खुलेगा तो लॉग थ्री का क्यूब। तो ये जो आपकी ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट तो आपका क्वेश्चन का पार्ट है, दिस डीएक्स, ये तो आपका पूरा क्वेश्चन बन गया दिस डीएक्स। ओके, तो ये आपका इसका मतलब कि डीएक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल लूंगा? देखो स्टूडेंट, ये तो वैसे क्वेश्चन ईजी है तो मैं वैसा वो करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा डी टी बाई क्या बन जाएगा? डी टी बाय लॉग थ्री का क्यूब। डी टी बाय लॉग थ्री का क्यूब क्या बनेगा? थ्री पावर थ्री एक्स। ये आपका बन गया, ये बन गया फाइव, राइट स्टूडेंट्स? ये बन गया। तो ये जो ये तुम्हारा क्वेश्चन था तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? डी टी बाय लॉग थ्री का क्यूब। क्वेश्चन बन गया डी टी बाय लॉग थ्री का क्यूब। तो डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी। आपका आंसर क्या होगा? टी बाय लॉग थ्री का क्यूब आपका ये आंसर आ गया। पर टी क्या था? टी तो ट्रिपल थ्री था, टी क्या था? ट्रिपल थ्री। तो टी को ट्रिपल थ्री पुट कर दिया, ट्रिपल थ्री एक्स मीन्स पुट कर दिया, तो आपका आंसर रेडी हो गया स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल थे, बस मैंने टाइम पता नहीं क्यों ज्यादा लगा दिया। अदरवाइज तो सिंपल सी बात है कि जो बड़ा सिंपल बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन आता है, इसको टी लिया तो ये आपका ये डी टी बन गया, तो ये पूरा पूरा डी टी बन जाता है। बस ये आपने देखा डी टी बाय लॉग थ्री का क्यूब, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम वैसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तो आपको पता है कितनी बार पहले भी एनआईटी में आ चुका हुआ, इसका आंसर भी बच्चों को याद होता है। 4 ये आंसर बच्चों को सभी याद होता है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है, एनआईटी में भी आ चुका कई बार। तो अदरवाइज अगर हमने नहीं किया कभी तो फिर तो करना पड़ेगा। तो टैन 9 आपको पेयरिंग बनानी पड़ेगी। आप देखो पेयरिंग किस किस की पेयरिंग बनानी चाहिए मुझे? 9 और 81 की पेयरिंग बनेगी, बिकॉज 9 पर 81 90 होता है, 27 पर 63 भी 90 होता है। तो ये पेयरिंग बन गई। देखो 9 प्लस 81 ये दो पेयरिंग बन गई। फिर टैन 9 फिर कॉट 9 को आपने 1 बाई टैन 9 कर दिया, या कॉट 20 सॉरी राइट ठीक है टैन 9 को 1 बाई कॉट 9 को 1 बाई टैन 9 कर लिया, कॉट 27 को 1 बाई टैन 27 कर लिया। फिर आपने इसको ऐसा एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसको ऐसे किया लाइक आपके सामने चल रहा है। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ये फॉर्मूला किसका बन गया बताओ स्टूडेंट? किसका फॉर्मूला है? 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला? हर बच्चे को पता है किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो ये फॉर्मूला नीचे बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये भी ये क्या बन गया? साइन 1 मीन्स 1 बाई साइन 2 थीटा बन गया। क्या कहूंगा मैं इसको? 1 बाय साइन 2 थीटा। 2 थीटा मीन्स साइन ऑफ 2 इंटू 9 डिग्री। ये स्टूडेंट देख रहे हो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। थीटा है 9 डिग्री है, मीन्स कि साइन 2 इंटू 9 का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली वो भी 2 दो, ये 2 दो ऊपर रह गया, ये भी 2 साइन थीटा बाई, इसको रेसिप्रोकल देखो ना, 2 साइन थीटा 2 टेन थीटा सॉरी 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी ये वाला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अगेन साइन 2 इंटू 27, तो ये आपका साइन 54 बन जाएगा। तो साइन 18 की वैल्यू आपको आती है अंडर रूट 5 माइनस 1 बाय 4। साइन 54 की वैल्यू भी आपको आती है अंडर रूट 5 प्लस 1 बाय 4। वैल्यू डाल दो, आपका आंसर उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपका आंसर 4 आ जाएगा। ये आंसर सभी बच्चों को याद होता है, नहीं याद है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 तो आपको पता ही है कि कितना पुराना क्वेश्चन है, हर बुक में क्वेश्चन है और इसका आंसर भी स्टूडेंट्स को याद है। इसका आंसर है सेकेंड चॉइस 45। वैसे इसको बताऊं एनआईटी वालों ने लास्ट ईयर ग्रेस दी थी इसकी। इसकी ग्रेस क्यों दी थी? क्योंकि वहां पर एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी,
वहां पर ईच ऑफ बी आईज नहीं लिखा गया था, मे बी शायद कोई छोटी सी ऐसी प्रिंटिंग हुई, मिस प्रिंटिंग हुई थी वहां पर। ईच ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड हमें लिखा हुआ है, ईच आई बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 बीआईज, एग्जैक्टली 9 ओबीजेस, वहां मे बी शायद ये वर्ड मिस हो गया था एक छोटा सा। तो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया, तो उसके चक्कर में इसका ग्रेस मार्क्स मिल गए। अदरवाइज मैक्सिम बच्चों ने क्वेश्चन को याद था, उनको पता था इसका आंसर 45 है, वहां से मार्क करके आ गए थे, पर अदरवाइज का ग्रेस मिली थी बिकॉज थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग के चक्कर में बच्चों को ग्रेस मिल गई थी, पर हमने इस क्वेश्चन को ठीक कर दिया। ओके, वैसे तो ये आपको आंसर याद होगा, 45 है। इसको नहीं याद है कोई क्वेश्चन को, उसको पढ़ना पड़ेगा। वी हैव 30 सेट्स ईच विद 5 एलिमेंट्स, B1 टू BN आर n सेट्स ईच विद 3 एलिमेंट्स, देयर यूनियंस आर सेम सेम, यूनियंस के दोनों की सेम है, इक्वल टू S है। आपको पता है जब यूनियन होती है तो चीजें कम हो जाती है, क्यों? रेपिटेशन, जब सेट्स में रेपिटेशन होती है तो उसको हम काउंट नहीं करते, तो नेचुरली जब AIs में एलिमेंट रिपीट होंगे, जब हम यूनियन करेंगे तो रिपीटेड एलिमेंट को हम एक बार लिखेंगे तो यूनियन में चीजें कम हो जाती हैं, ये आपको पता ही है। तो यूनियन जो है दोनों की वो इक्वल टू एस है, पर यूनियन का जो एक एलिमेंट है, नेचुरली यूनियन में चीज तो एक एक बार आएगी, जो एक एलिमेंट है वो एक्चुअल 10 A's में था पहले, जो यूनियन में एलिमेंट एक बार आया एक्चुअल 10 A's में था, वो 10 A में था, पर यूनियन में तो एक बार ही आएगा ना, आप 10 बार तो लिखोगे नहीं। मान लो एक एलिमेंट 1 है, वो एक एलिमेंट 1 है, वो A1 में भी है, A2 में भी है, आप यूनियन में तो उसको एक बार ही लिखोगे। तो वही कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एक्चुअली 10 ओबीजेस, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू 9 ओबीजेस। ये क्वेश्चन है जो बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम टोटल एआईज के एलिमेंट निकालते हैं। टोटल एआईज के एलिमेंट क्या है, विद रेपिटेशन, विद रेपिटेशन टोटल एआईज के एलिमेंट्स है 5, सभी में 5 5 है, तो टोटल 30 सेट्स है, 5 × 30 150 एलिमेंट्स हो गए टोटल एआईज के एलिमेंट। ओके, लेट एस, लेट एस मीन यूनियन, यूनियन के सपोज कर लेते हैं कि के एलिमेंट्स है, लेट यूनियन हैज के एलिमेंट्स, के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमने स्पेशली के डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिख दिया। लेट यूनियन हैज, यूनियन एस हैज के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वो एक क्लेम कर रहा है हमारी बुक वाला कि ईच एलिमेंट एस, जो एस में एक बार एलिमेंट है वो एक्चुअली 10 A's में था, जो एलिमेंट यहाँ पे एक बार वो 10 A में था, एक एलिमेंट 10 बार था, तो अगर के एलिमेंट्स एस में है, एस में अगर के एलिमेंट्स है तो टोटल AIs में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, फिर कितने होने चाहिए, एक एलिमेंट अगर यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर जो एस में एक बार आता है एक्चुअली 10 A में था, एक एलिमेंट अगर 10 A में था तो यहाँ पर के है तो वहां पर कितने होंगे फिर AIs में, तो टोटल AIs में 10 × k एलिमेंट्स होंगे, है कि नहीं बताओ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक एलिमेंट जो है एस में तो एक बार आया, एक एलिमेंट एक्चुअली 10 A में था, AIs में 10 बार था पर वहां पर एक बार आया, अगर एक एलिमेंट 10 एक एलिमेंट इक्विवेलेंट टू 10 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर के एलिमेंट्स है तो डैट्स इक्विवेलेंट टू 10 k एलिमेंट्स ऑफ AIs ना, अगर एस के एलिमेंट्स है तो डैट्स इक्वल टू 10 k एलिमेंट्स ऑफ दी ए, तो ओके तो अगर वहां पर के एलिमेंट्स है तो वहां पर कितने एलिमेंट्स होंगे AIs में, 10 k एलिमेंट्स होंगे, पर AIs में तो 150 एलिमेंट्स है, सो 10 k इज नॉट इक्वल टू 150, तो वहां से k की वैल्यू आ जाती है 50। तो आपने एक्चुअल क्या किया, हमें टोटल आपने कॉन्सेप्ट किसका लगाया, टोटल का कॉन्सेप्ट लगाया कि टोटल AIs में इतने एलिमेंट्स है विद रेपिटेशन, एस में रेपिटेशन नहीं होती, यूनियन में रेपिटेशन नहीं होती, पर हर एक एलिमेंट जो था एस में वो 10 AIs में था, तो k एलिमेंट कितनी बार हो गए, 10 k टाइम्स हो गए, तो 10 k इज दिस मच, तो वहां से k की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने सेम कॉन्सेप्ट हमने बीजेस में लगाना है, जैसे अभी हमने AIs में सोचा है वैसे बीजेस में भी सेम काम करोगे, तो बीजेस में क्या है, ईच बीजेस हैज 3 एलिमेंट्स, तो टोटल बीजेस कितने हैं मेरे पास है, यहाँ पर टोटल बीजेस मेरे पास इस क्वेश्चन में है n बीजेस, आप देखोगे यहाँ पर n बीजेस है, सब में 3 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल बीजेस में कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल बीजेस में 3 n एलिमेंट्स हो गए, टोटल बीजेस में 3 n एलिमेंट्स हो गए। अगेन उसने बोला कि ईच एलिमेंट एस बिलोंग्स टू 9 ओबीजेस, हर एक एलिमेंट एस का 9 बीजेस में है, जो एस में एक बार और 9 बी में था, एक एलिमेंट अगर 9 बी में था तो के एलिमेंट कितनी बार होंगे, 9 k, एक एलिमेंट एस का अगर 9 बी में था तो के एलिमेंट एस के, है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही बात ना, और एक एलिमेंट अगर एस का एक एलिमेंट कितने में था, 9 टाइम्स था, तो यहाँ अगर के एलिमेंट्स होंगे तो वहां कितने होंगे, 9 k, सो टोटल बीजेस में 9 k एलिमेंट्स हो गए, सो 9 k इज नॉट इक्वल टू 3 n, 9 k इज नॉट इक्वल टू 3 n, बट हमें तो पहली वैल्यू पता है किसकी, n की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कौन सी, सॉरी k की वैल्यू निकाल चुके हैं 15, k की वैल्यू हम पहले 15 निकाल चुके हैं, तो k की वैल्यू को 15 पुट कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। पर ये क्वेश्चन बार बार नहीं करते, एक क्वेश्चन एक बार ही करते हैं, एक क्वेश्चन क्लासेस में कराया जाता है,
तो बच्चों को याद हो जाता है। ओके, इस क्वेश्चन को बार बार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 44 तो वैसे बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था, आपने बस दोनों को डिवाइड करना था। देखो देन द रेशियो 2:1, दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे वाले फैक्टोरियल भी काफी कट जाएंगे, तो सिंपल से एन ऊपर रह जाएगा। उसको आप ओपन करोगे तो एन की क्वाड्रेटिक बनी, तो आपके एन की वैल्यू आ जाएगी 5। ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो आप देख लो, देखने से समझ आ जाएगा आपको। ओके राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चा देख के डर जाता है, क्वेश्चन टफ नहीं था पर देख के बच्चा डर जाता है कि पता नहीं क्या लिख दिया उसने। द लाइंस आर रिस्पेक्टिवली द साइड्स ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आप देख सकते हो फिगर में ए बी ए सी दो लाइन्स होगी हमारे पास, एंड बेस बी सी इज बाइसेक्टेड एट पी क्यू, बाइसेक्टेड एट पी क्यू देख रहे हो आप। इक्वेशन में मीडियन चाहिए हमें, मीडियन क्या होती है, मीडियन इज दिस इज लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ये मीडियन होगी। हमें इक्वेशन मीडियन चाहिए थ्रू ए, थ्रू ए। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि जो ए पॉइंट, जो ये लाइन है, ये जो मीडियन लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से पास कर रही है। ये जो मीडियन लाइन है दैट पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, देख रहे हो ना, मीडियन लाइन जो है इंटरसेक्शन दीज टू से पास कर रही है। जब कोई लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट लाइन पर लैम्डा टाइम सेकंड लाइन जीरो, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट लाइन पर लैम्डा टाइम सेकंड लाइन जीरो, बिकॉज़ दिस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। ओके, ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। पर ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये आल्सो पासिस थ्रू पी क्यू, दिस आल्सो पासिस थ्रू पी क्यू, तो इसमें पी क्यू को डाल दो एक्स ए, ठीक है, पी क्यू डाल दिया, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बस काम खत्म। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को आपने नंबर वन में डाल देना, बस नंबर वन में लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया तो आपको एक्चुअल आंसर आ गया। तो देखने में लग रहा है क्वेश्चन काफी मुश्किल है, पर इफेक्ट ये है क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ओके, आपने देखा क्वेश्चन बड़ा इजीली निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन टू गिवन लाइंस ये होती है, जो हर बच्चे को पता है। उसमें हमने पॉइंट ए पॉइंट डाल दिया, बिकॉज मीडियन है तो पॉइंट तो डालना पड़ेगा, तो उसके लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को वापस पुट कर दिया तो आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है। हाँ, कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, अलग बात है, क्वेश्चन सिंपल है। इन ट्रायंगल एबीसी सुषुम्ना ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि आपकी साइड्स किस में होंगी, एपी जी पी एच पी नॉन बेस, तो ये हमें दिया हुआ है। बस आपको क्या माइंड में आना चाहिए, कॉस स्क्वायर सी बाय टू क्या होता है, सभी बच्चों को पता है 1 + cos c/2, कॉस स्क्वायर ए बाय टू क्या होता है, 1 + cos a/2, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है। ओके, इसको ओपन कर दो, इस फॉर्मूले को ओपन करो, हमने पुट कर दिया, ओपन कर दिया, ए बाय टू प्लस सी, आपने टू को कार्ड कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, टू आपका कैंसिल हो जाता है, बताइए टू कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, ए प्लस सी, ये ए प्लस सी रह गया, और साथ में क्या रह गया, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इक्वल टू 3b। अब आपको पता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए क्या होता है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए होता है इक्वल टू बी, क्या होता है, इक्वल टू बी। तो ये आपका बी हो गया, क्या हो गया, बी, तो इसको बी पुट कर दिया, ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 3b, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी, तो ए बी सी आई ने, सिंपल क्वेश्चन हो गया, ए प्लस सी इक्वल टू बी, तो ए बी सी आई ए पी, तो ये तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। बट ये क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, कि सुषुम्ना ट्रायंगल बच्चों का फेवरेट टॉपिक नहीं है, तो बच्चों के कई बार क्वेश्चन मुश्किल लगता है, बट है क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, अगेन सिंपलेस्ट, आपको पता है ये तो फार्मूला है, इसका फार्मूला है, इंटीग्रेशन का शॉर्टकट है, e की बाय x, क्या शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट है, देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ e की बाय x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो क्या होगा, e की बाय x फंक्शन, क्या होगा, e की बाय x फंक्शन, ये फार्मूला याद होगा आपको, तो e की बाय x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो क्या होता है, e की बाय x फंक्शन, ये फंक्शन साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो आप इसको फंक्शन मान सकते हो, इसको डेरिवेटिव मान सकते हो, इसको फंक्शन मान सकते हो, इसको डेरिवेटिव मान सकते हो, अब दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है, तो आपकी चॉइस में बी चॉइस देख रहा हूँ, उसने इसको फंक्शन माना हुआ है, तो ये डेरिवेटिव हो गया, तो आपका आंसर होगा बी चॉइस, ये कॉस फंक्शन है तो साइन उसका डेरिवेटिव, बी चॉइस इज वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट, देख रहे हो आप, जैसे क्वेश्चन हो गया। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48, वेरी इजी क्वेश्चन, वी आर गिवन 4 पॉइंट्स, तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर दिया वर्सेस ऑफ दी पैरेललोग्राम, तो हमें ए बी की वैल्यू देखनी है। आपको पता है अगर दिया वर्सेस ऑफ दी पैरेललोग्राम,
एक छोटा सा रिजल्ट है जो हर बच्चे को पता है कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैलोग्राम आर सेम, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पैलोग्राम सेम। तो यहाँ पर आपके पास चार पॉइंट्स गिवन है, तो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, तो आपको पता है कि एक पॉइंट हमारे पास है 1.2, एक पॉइंट है 4.6, एक है 5.7, एक है ए कॉमा बी, मिड पॉइंट और डायगोनल। तो ये डायगोनल का मिड पॉइंट बताओ क्या आया, ये एक तो ये आया, देखो ये डायगोनल का मिड पॉइंट आया 1+5/2, 2+7/2। ओके ये आप इसको नाम देना, जो नाम दे दो पी क्या ओ आर एस, तो पी ओ आर का मिड पॉइंट ये आ गया। सिमिलरली क्या ओ एस का मिड पॉइंट क्या है, क्या ओ एस का मिड पॉइंट ये क्या हुआ है, यस है, इसका मिड पॉइंट ये आ गया। बस तो दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ से ए ओ बी की वैल्यू आ गई, तो सबसे सिंपल में से क्वेश्चन हो गया, तो ए ओ बी की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो मिड पॉइंट हो गई डायगोनल्स सेम ऑफ द पैरोग्राम। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 49, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज बच्चों की पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको वैल्यूज ऑफ ए चाहिए, माइंड में रखना कि वैल्यूज ऑफ ए चाहिए, तो थीटा को आपको यहाँ से बाहर निकालना है, थीटा चीज को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आपने पहले क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - tan² θ / 1+tan² θ। तो यहाँ से आपने वैल्यू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया, वहां से tan² θ की वैल्यू आ गई 1/2, आपने यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला डाल के ओके tan² θ की वैल्यू 1/2 निकाल ली। आप होंगे इसका फायदा क्या हुआ, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, यहाँ पर tan² θ की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा पहली इक्वेशन में, उससे क्या होगा tan² θ हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ओनली इक्वेशन ए में रह जाएगी। tan² θ की वैल्यू को डाल दिया 1/2, डाल दिया उसमें यहाँ पर डालने वाला 32 tan की पावर 8 थीटा, यहाँ पर हमने tan² θ की वैल्यू 1/2 डाल दी, तो 2 हो गया। तो वो आपका क्या बन गया, ये वाला पार्ट 2 बन गया, मींस की इसकी लेफ्ट हैंड साइड 2 बन गई। सो 2 इज नाउ इक्वल टू दिस मच, देखो क्वेश्चन इजी हो गया नाउ। सो 2 इज नाउ इक्वल टू, अब आपकी सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई, अब सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई, छोटा सा आपने वे किया, tan² की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो इसकी वैल्यू आपकी 2 बन गई, तो इस 2 ये आपका 2 हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन अब रह गया, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। कॉस की क्वाड्रेटिक बन गई, कॉस को फैक्टराइज कर दिया, तो ये आपका कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और कॉस की वैल्यू -1/2 आ गई, और कॉस तो 2 हो नहीं सकता, बिकॉज कॉस ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, तो अल्टीमेटली कॉस क्या रह गया, ओनली -1/2। इतना बड़ा क्वेश्चन था और क्या बचा, ओनली दिस पार्ट बच गया, कॉस इज -1/2। देखा ऐसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन अल्टीमेटली ही बन जाता है, कॉस -1/2, तो कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो पाई बाय 3 होता, साइन क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस पाई बाय 3 मीन्स 2 पाई बाय 3, तो आपका एंगल हो गया 2 पाई बाय 3। ओके तो आपको पता है कि जब कॉस इक्वल दिस होता है तो थीटा क्या होता है, जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2n π + -α, 2n π + -α, तो आपका आंसर हो गया 2n π + -α, तो ये आपका आंसर रेडी हो गया। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल निकला है, पर देखने में क्वेश्चन मुश्किल था। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पेपर्स में आ चुका हुआ है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स, हमें हमें 2 इवेंट्स है, उसको नाम दे दो ए और बी, 2 इवेंट्स को नाम दे दो ए एंड बी, लेट ए सॉरी नाम दिया हुआ ई एंड एफ, तो 2 का नाम दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ई हमारे पास क्या है 0.25 है, प्रोबेबिलिटी एफ क्या है 0.5 है, हमें दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, साइमल्टेनियस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या दी है 0.14। तो हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर, नाइदर से पहले आपको आइदर निकालना पड़ता है, आइदर क्या होता है ई यूनियन एफ, दिस इज आइदर, क्या निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर, आइदर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है नाइदर, आइदर का कॉम्प्लीमेंट नाइदर होता है, पहले आइदर निकाल लो, आइदर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, डैट प्लस डैट, डैट प्लस डैट माइनस, आपको पता है यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस पी एफ माइनस इंटरसेक्शन, बस ये फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, ये लगा दिया आपने फॉर्मूला, तो आपको आइदर आ गया, क्या आ गया आइदर आ गया, क्या आया वो हमारे पास कितना आ गया 0.61। अब आपको तो नाइदर चाहिए था, तो नाइदर क्या होता है 1 - आइदर, तो 1 - दिस, 1 - 0.61, तो 0.39 आपका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ई नॉर एफ। तो ये तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो आपने देखा कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे। ओके तो बट ये कि मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हर बच्चे को जो बच्चा तैयारी सीरियसली कर रहा होता है उसको पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी हिट कर सकता है, तो
पेपर सिंपल आता है, सिंपल तो नहीं कहेंगे बट एवरेज पेपर था, तो पेपर एवरेज आता है तो मैरिट भी अच्छी आती है। उसमें ट्रिक्स और स्पीड आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने तीन पार्ट्स में पेपर 2021 डिस्कस किया, तो आप इसको आराम से देखो। कोई अगर आपको डाउट्स हो तो आप पर्सन हमें डाउट्स भी अपनी जो यूट्यूब चैनल में पुट कर सकते हो, उसका भी आप आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।